वेलकम टू अलोन डायरेक्ट संधू। देखिए मैं आज खाना बना रही हूँ। खाना में क्या बना रही हूँ देखिए, खाना में मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। तो देखिए वो भी कहाँ किस पे, इंडक्शन चूल्हा और इंडक्शन के बर्तन में। तो हमने क्या किया, पहले अदरक लहसुन प्याज टमाटर बारीक बारीक काटा। बारीक बारीक काटने के बाद उसको फ्राई किया, उसके ऊपर मैंने आलू दे दिया। अभी ये फ्राई हो रहा है, जब तक ये फ्राई हो रहा है इसमें हम देंगे नमक। देखिए थोड़ा सा हमने नमक दे दिया, नमक के हिसाब से दीजिएगा, नमक ज़्यादा नहीं कम होगा तो मिला के खा सकते हैं, मगर ज़्यादा होगा तो सब्जी आपको उधर फेंका जाता है। तो अभी देखो यहाँ पे दे रही हूँ मिर्ची, उधर जाने के लिए नहीं बोला है हमने, बोला उधर देखो अब सब्जी में देखो। चलो हमने डाल दिया मिर्ची, अभी दे रही हूँ हल्दी। देखिए उसके बाद आपको पता ही है मैं ये यूज करती हूँ, तो मैं अभी कश्मीरी मिर्ची दे रही हूँ, क्योंकि ना ये तीखा नहीं है, ये बहुत अच्छा कलर आता है इसमें, इसलिए ये। तो अभी ये मैं दे रही हूँ, इसको हमने अच्छा से थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। देखिए इंडक्शन यहाँ पे है ना, यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल इंडक्शन है, इंडक्शन में बना रही हूँ और उसमें मैं दूँगी गरम मसाला। देखिए गरम मसाला बहुत लाई हूँ, ये था जो फ्लावर वो मैं हाथ में तोड़ के दे दे रही हूँ। यहाँ पे है एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची और थोड़ा सा दालचीनी, ये देखा। तो इसको हमने क्या करेंगे, इसको हमने वो अच्छा लौंग भी है, इसमें हम लेंगे लौंग। ये काली मिर्च थोड़ा सा और थोड़ा सा लौंग, इसको अभी देखिए इसको हमने थोड़ा सा पानी देंगे, सब्जी को जलने मत दीजिएगा। थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया और इसको हम पका रहे हैं। अच्छा जब तक ये हो रहा है तब तक हम इसको थोड़ा सा पीसेंगे। अभी पीसने के लिए मेरे पास कुछ है ही, तो इसलिए हम इससे थोड़ा सा इलायची को थोड़ा सा तोड़ लीजिए, सबको ऐसा कर लीजिए। करने के बाद इसको अभी सब्जी में दे दीजिए। देखिए ये दे दिया, अब ये सब्जी बन जाएगा। मसाला को ना अच्छा से भून लीजिएगा, मसाला भूनने से क्या होगा ना आपका सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा है, खोल के आएगा सब्जी का टेस्ट। तो मसाला भून लिया, भूनने के बाद अभी इसमें हम पानी दे देंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी थोड़ा सा आलू बस इतना ही, क्योंकि ये मैं सिर्फ एक सीटी लगाऊंगी ये सब्जी बन जाएगा। अभी इसमें ये ना मैंने कैरेट जो रखे हूँ, ये कैरेट आलू कैरेट की सब्जी नहीं है, ये आलू की सब्जी बन रहा है और कैरेट इसमें बॉईल हो जाएगा। ये कैरेट को हम बाद में इसको चाट मसाले से मैं खाने वाली हूँ। तो हमने क्या किया, एक बार में बैठा दिया, अभी मैं ढक्कन बंद कर दूंगी। देखिए अभी हम लोग लंच खाने वाले हैं, यहाँ पे हमने पानी ले लिया एक बॉटल और यहाँ पे देखो आलू का सब्जी बन चुका है जो तरी वाला है और गर्मा गर्म रोटी। और रोटी मैंने कैसे बनाई आप लोगों को दिखा रही हूँ, हरी छन्ना घी जो मैं यूज़ करती हूँ वो छन्ना घी। अभी रोटी में लगाऊँ क्या, लगाऊँ रोटी? तो देखिए पहले छन्ना घी, पहले यहाँ पे दे दिया इनको एक चम्मच
पहले फिर यहाँ पे ले लिया हमने और थोड़ा सा रोटी में भी लगा दिया। तो देखिए ठंडा घी लीजिए, थोड़ा सा लगाइए, ज़्यादा चाहिए नहीं, ये थोड़ा सा में काम हो जाता। दूसरा रोटी इसमें मिलाइए और इसको घुमा लीजिए, बहुत टेस्टी है ये ठंडा घी। देखिए ये देखिए पूरा लग गया ना, ऐसा घी लगाइए, दो रोटी बन गया, फिर दो रोटी में लगा दीजिए, ये हो गया, ये भी इसमें घुमा लीजिए। ये देखा, ये रोटी भी बन गया घी का जगह। तो अभी हम लोग लंच खा रहे हैं, आलू की सब्जी और रोटी। और मैं ये रोटी में घी नहीं लगाई हूँ क्योंकि मैं इतना घी नहीं खाऊंगी, क्योंकि सब्जी में मैं घी डाल चुकी। फिर देखिए आगे जो करेंगे। हाय, देखिए मैंने अभी इस दुकान में आई हूँ, ये दुकान का नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो तंदूर में यहाँ पे बन रहे। ये मैंने लिया तंदूरी चिकन और रेशमी चिकन, ये है तंदूरी और ये रेशमी, तो ये दोनों देखो यहाँ बन रहे, ये बन रहे, ये बन रहे नहीं ले रहे, आपको दे दे रहे, आप टेस्ट कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात। तो चलो ये यहाँ पे बन रहे हैं, आज लेके मैं जा रही हूँ। अगर देखिए इसके लिए ना सब्जी नहीं है, इसके हिसाब से खाने के लिए है। देखो मैंने बोला था आज हमने बाहर से हमने लाया है जो तंदूर लाया है, तंदूर में दो तरीके से, वहाँ पे चार तरीके से मिल रहा था, मैं अभी फिलहाल दो तरीके से लाई हूँ, मुझे पसंद करना है कौन सा अच्छा लगे ना लगे। ये देखो ये है फुल ये तंदूर है, तो फुल तंदूर में 6 पीसेस होता है, मैंने आधा लाई हूँ। तो ये देखो ये रेशमी कबाब है, ये रेशमी कबाब, ये फुल प्लेट 6 पीसेस होता है, मैं आज आधा लाई हूँ, पहले खा के देखूंगी अच्छा लगे तो मैं फुल प्लेट लाऊंगी। देखिए बहुत अच्छा टेस्टी है, इसके साथ देखो ग्रीन चटनी दिया, रेड चटनी दिया, और यहाँ पे देखो क्या दिया, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया देखो सलाद, सलाद में क्या है, पुनीर, ये है तंदूर है ना, तंदूर चिकन, ये तंदूरी चिकन है, और ये है, ये देखो ये है रोटी, एकदम गर्मा गर्म, एकदम सॉफ्ट, देखो कितना सॉफ्ट, ये देखो पूरा खुल गया, इतना एकदम बटर लगा के दिया है, बहुत गर्म है, अच्छा है। तो इन्होंने टेस्ट करने के लिए ये बना के दिया, इसलिए थैंक यू भैया को जो दिया है उन्होंने। और इसमें दिया है सलाद, देखो सलाद में क्या है, सलाद है, चटनी भी है इसमें, ये देखो सलाद, और इसमें ग्रीन चटनी भी दिया, ग्रीन चटनी उन्होंने बहुत दिया, और इसमें रेड चटनी भी दिया है, खाऊँ आपको, ये देखो। तो इतना कुछ आज मैं लाई हूँ, अभी मैं इसको खाने वाली हूँ। देखो ये है तंदूर चिकन और ये है रेशमी कबाब, कैसा लगा मेरे मुँह को, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। तो अभी मैं इसको खाने वाली हूँ। तो देखिए मैं आज जो लाई हूँ, हमने दिखाया था आपका ये रेशमी कबाब दिखाया है, ये रेशमी कबाब अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ, हाँ। और देखिए उसके साथ सलाद दिया है, सलाद है, चटनी है, तो ये रेशमी कबाब है और ये तंदूर है, देखा पूरा लेग पीस, हाँ बहुत टेस्टी। तो ये मेरा आज का डिनर है, मैं डर के यहाँ लाई हूँ क्योंकि मैं सोची थी ये दुकान से मैं पहली बार ले हूँ तो इस दुकान का टेस्ट कैसा होगा, बहुत अच्छा टेस्ट है, सच्ची में बहुत अच्छा टेस्ट,
मुझे अभी लग रहा है पूरा एक प्लेट लेना चाहिए था रेशमी कबाब। अरे देखो कितना बड़ा पीस, ये है सीख कबाब, इसको भी हम टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। दोनों ही टेस्टी, इस दुकान में ना बहुत कुछ मिलता है, सबको टेस्ट करना है मुझे क्योंकि अच्छा लगा, सच में अच्छा बना है। इसमें चाउमीन है, चिली चिकन है, रोल है, एक कबाब तो चार तरह के कबाब तो है ही। तो अभी तो दो टेस्ट कर रही हूँ और बाकी जो दो है उसको भी हमें टेस्ट करना है। सुबह मैंने क्या खाई आप लोगों को दिखाई हूँ, चाय दिखा नहीं पाई, मैंने चाय पिया, चाय के साथ स्नैक्स भी ले लिया था। तो अभी जो ले रही हूँ ना ये मेरा डिनर है, ये तो मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी जो आज मैं कलकत्ता में क्या मजा ले रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो घर में दिन में, क्योंकि इसमें ना यहाँ पे दिन में ये नहीं मिलता है, ये शाम को ही खुलता है, 4:30-5 बजे खुल जाता है, 11:30 बजे बंद करता है। तो दिन में मैं घर में कुछ भी बना लिया और शाम को डेली हम लोग बाहर खा रहे, कुछ ना कुछ खा रहे। तो आज ये दुकान में हम लोग खाए, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगा। तो आगे फिर क्या करूंगी आप लोग के साथ शेयर करते जाऊंगी, आज ये वीडियो यहाँ तक। ओके बाय।